काली पूजा और दीपावली को लेकर भागलपुर सदर एसडीओ कार्यालय परिसर स्थित सभागार में बुधवार को शांति समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता सदर अनुमंडल पदाधिकारी धनंजय कुमार ने की। बैठक में काली महारानी महानगर केंद्रीय महासमिति के पदाधिकारी और सदस्यों ने एसडीओ, सिटी डीएसपी, एएसडीओ और ट्रैफिक डीएसपी के समक्ष काली पूजा और विसर्जन शोभा यात्रा को लेकर अपनी बात रखी। इस दौरान दीपावली और काली पूजा सम्पन्न होने के बाद प्रशासनिक निर्देश और महासमिति के सहमति से शांतिपूर्ण माहौल में काली प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा संपन्न कराने की बात दोनों पक्षों के द्वारा कही गई। वहीं बैठक में शांति समिति के सदस्यों ने भी अपनी बात रखते हुए बिना किसी व्यवधान के पूजा संपन्न कराने के लिए जरूरी पहल करने की बात कही। बता दें कि इस बार काली पूजा महासमिति दो फाड़ हो गई है, जिससे पूजा समिति और शहरवासियों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों के मन में कई तरह की आशंका उत्पन्न हो रही थी, लेकिन बुधवार को हुई इस बैठक में दोनों महासमिति की ओर से भागलपुर की पहचान काली विसर्जन शोभा यात्रा को प्रशासन के सहयोग से शांतिपूर्ण सुरक्षित माहौल में करने का भरोसा दिया है। इधर कुछ सदस्यों ने दीपावली के दूसरे दिन बाजार और विसर्जन मार्ग में केले के थंब समेत किसी भी तरह के कूड़े कचरे की सफाई करने की बात भी कही, जिससे प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान आने वाले लोगों या प्रतिमा के वाहन को कोई परेशानी नहीं हो। वहीं इस दौरान पूजा समिति के पदाधिकारी और मेड़पतियों ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से काली पूजा एवं विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के साथ साथ किसी प्रकार का हंगामा नहीं हो, इस पर विशेष ध्यान देने की बात कही। साथ ही विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान अधिक देर तक शहर और विसर्जन मार्ग में बिजली बाधित नहीं हो, इसको लेकर भी बैठक में विचार विमर्श किया गया। इधर सभी पक्ष की बातें सुनने के बाद सदर एसडीओ धनंजय कुमार, सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी और यातायात डीएसपी ने केंद्रीय महासमिति और शहरवासियों को प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग और सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने का भरोसा दिया गया। साथ ही सभी पदाधिकारियों ने शांति और सद्भाव के साथ दीपावली, काली पूजा और छठ त्योहार मनाने की शुभकामना देते हुए विसर्जन शोभा यात्रा में जगह जगह सुरक्षा के इंतजाम करने की बात कही है। विधि व्यवस्था है, शांति है, सुरक्षा है, भीड़ नियंत्रण है, आपदा है, इन सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करते हैं और कैसे है पिछले बार की तरह या पिछले बार से बेहतर हम कैसे कर सकते हैं, इस पर चर्चा होती है। आज शांति समिति की बैठक हुई है, जिसमें इन लोगों को निर्देश दिया गया कि लाइसेंस जो भी है वो समय पर नापक करें, समर्पित करें और लाइसेंस की जो शर्त है उसे अनुपालन करें, चाहे वो घातक हथियार हो या फिर भूखे हो या फिर रूट लाइनिंग का जो समय है मृत्यु उठाने का विसर्जन करने का उसका जो डिसिप्लिन उसका अनुपालन हो। साथ ही जो फोर्स की जो तैनाती होनी है वाकई बनाई जाएगी, चंडीगढ़ और चंडीगढ़ टाइगर मॉडल का गठन होना है, साथ ही जो भी ज्वाइंट बॉर्डर में जो डेपुटेशन पॉइंट्स निर्धारित किए गए हैं संवेदनशील स्थानों का या धार्मिक स्थलों का या पंडाल का, उन सभी पर जो फोर्स मस्जिद की तैनाती होनी है उस पर चर्चा हुई है। इसके अलावा जो हमें बाहर से जो फोर्स मिलेंगे उसको बूस्टर समय उसके लिए हम लोगों ने उस पर ब्रिज किया है, उस पर भी काम हो रहा है। साथ में हमने ये बताया है कि जो भी पूजा पंडाल है उसकी निगरानी वीडियोग्राफी और उसके लगाएंगे उसके माध्यम से किया जाएगा। ICCC के द्वारा 1800 कैमरा लगाया गया उसके माध्यम से भी किया जाएगा। इसके अलावा जो ड्रोन कैमरा है उसके माध्यम से भी इसकी निगरानी हमें करेंगे। तो हर तरह से हम लोग दिवाली से लेकर काली पूजा और छठ तक मुस्तैद हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र से एक नाबालिग चोर 2 मोबाइल, 100 कारतूस और मैगजीन लेकर फरार हो गया। वहीं इसके बाद जानकारी मिलते ही पुलिस ने देर रात उस चोर को छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि सोमवार की रात कुछ ग्रामीणों ने चोरी के आरोप में एक नाबालिग विक्रम दास को पकड़कर सुल्तानगंज पुलिस के हवाले किया था, लेकिन नाबालिग होने के कारण आरोपी चोर को पुलिस द्वारा हाजत में बंद नहीं किया गया था, जिसके बाद
बाद मंगलवार की तड़के सुबह मौका देखकर नाबालिग आरोपी विक्रम दास वहां से 2 मोबाइल फोन, 100 कारतूस और मैगजीन लेकर थाने से फरार हो गया। आरोपी विक्रम ने पुलिस बैरक से बीएमपी की मैगजीन सहित गोली और मोबाइल चोरी कर लिया। वहीं इसके बाद भागलपुर एसएसपी आनंद कुमार के निर्देश पर डीएसपी विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसके बाद देर शाम छापेमारी कर 10 घंटे के अंदर फरार नाबालिग विक्रम दास को पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से दबोच लिया। बताया जा रहा है कि विक्रम के पास से पुलिस ने मैगजीन सहित 25 कारतूस, मोबाइल एवं पायल बरामद किया है, जबकि उसकी निशानदेही पर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के भीमकित्ता गांव से कुंदन चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुंदन चौधरी के पास से 5 गोली, मोबाइल और अन्य सामान बरामद होने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार कुंदन की पत्नी उप सरपंच है। वहीं इस मामले को लेकर भागलपुर एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि गोली चोरी मामले में एक बालक विक्रम दास के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही इस मामले में लापरवाही बरतने वाले 8 पुलिसकर्मी पर भी बड़ी कार्रवाई की गई है। बिहार बाल भवन किलकारी भागलपुर की ओर से कंपनी बाग स्थित किलकारी बाल भवन परिसर में 5 दिवसीय बाल उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी स्कूलों और निजी संस्थाओं के बच्चों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी, जबकि सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान सेमी क्लासिकल, क्लासिकल और फोक डांस की प्रतियोगिता में अपनी प्रस्तुति से कार्यक्रम में मौजूद लोगों का मन मोह लिया। इसके अलावा 5 दिवसीय कार्यक्रम में लोक नृत्य, गीत गायन, वादन समेत कई तरह की प्रस्तुति बच्चों के द्वारा दी गई, जबकि प्रतियोगिता में 8 वर्ष से 16 वर्ष तक के बच्चों ने हिस्सा लिया। इससे पूर्व कार्यक्रम का उद्घाटन प्रमंडल कार्यक्रम समन्वयक अभिलाषा कुमारी, सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी साहिल राज, सहायक लेखा पदाधिकारी विश्व विजय झा समेत कई अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में किलकारी समेत भागलपुर के विभिन्न स्कूलों के 6 से 16 वर्ष के बच्चे हिस्सा ले रहे हैं, जो अलग अलग विद्या में अपने कला की प्रस्तुति देते दिखाई दिए। इधर बच्चों ने भारतीय संस्कृति से जुड़े नृत्य, संगीत, नाटक, चित्रकला, हस्तकला, मंजूषा पेंटिंग, सितार और समाज के ऐसे बच्चे जो अपनी कला को प्रदर्शित नहीं कर सकते, उन्हें मनोरंजक माहौल में एक मंच देना है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह के माध्यम से बच्चे जहां अपनी कला को निखार सकते हैं, वहीं आने वाले दिनों में बच्चे अपना भविष्य को भी उज्ज्वल बना सकते हैं। चल रहा है और बाल उत्सव का मुख्य घर रहता है, जैसे बाल दिवस होता है और किलकारी चूंकि बच्चों की संस्था है, 8-16 वर्ष के बच्चों के लिए काम होता है, तो इस बार दिवाली से छठ के बीच है और ये हम लोग का प्रतियोगिता होता है, सारे विद्यालय बंद होते हैं, इस वजह से थोड़ा पहले हम लोगों ने ऑर्गेनाइज कर लिया है। आज 4th दिन है और आज विभिन्न डांस प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सेमी क्लासिकल, क्लासिकल, एकल ग्रुप, सारा चीज। इसमें स्थानीय पूरे भागलपुर से लगभग गवर्नमेंट और प्राइवेट सारे स्कूल्स के बच्चे होते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को ज्यादा कवर करें, क्योंकि प्राइवेट स्कूल के बच्चों को तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज मिलता है, बट सरकारी स्कूल के बच्चों को नहीं मिल पाता है। और हमारा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ प्रोफेशनल बच्चे ही आए, बिल्कुल ग्राउंड लेवल के जो बच्चे हैं वो हमारे यहाँ आते हैं। आप देख सकते हैं अभी प्रतियोगिता चल रही है, तो उद्देश्य है कि बच्चों को एक मंच अवेलेबल कराएं हम लोग, क्योंकि बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और उससे भविष्य में बच्चे जिस भी फील्ड में जाना चाहें उसमें जा सके। तो ये एक रुचि प्रदान करने का कह सकते हैं, क्योंकि आजकल क्या है ना कि पेरेंट्स का रहता है कि सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करिए, तो लेकिन आज देख सकते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा भी अभी बहुत सारा बीपीएससी के माध्यम से डांस, म्यूजिक, क्राफ्ट, हर विधा के प्रशिक्षकों का चयन किया गया है और ज्वाइनिंग मिली है, तो हर फील्ड में भविष्य है और किसी भी फील्ड में बच्चे जाना चाहें उसमें बेहतर कर सकते हैं। दीपों के उत्सव दीपावली को लेकर भागलपुर में हुक्कापाती खेलने की परंपरा है, जिसमें सनातन परंपरा के अनुसार तुलसी के पौधे के समक्ष जलाए गए घी के दिए से सनसनाटी को जलाकर मां लक्ष्मी को नमन कर घर के बाहर पुरुष, युवा और बच्चे सनसनाटी से हुक्कापाती खेलते हैं। वहीं इसको लेकर भागलपुर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बाजारों एवं चौक चौराहों पर सरकंडे और सोन से बनी सनसनाटी की दुकान सज गई है, जहाँ से लोगों के द्वारा खरीदारी भी की जा रही है।
रही है। बता दें कि 10 नवंबर को धनतेरस और 12 नवंबर को दीपावली है, जिस दिन सनसनाटी का विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसको जलाकर घर के बाहर करने से घर की सुख समृद्धि, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा और दरिद्रता को घर से दूर करने से जोड़कर देखा जाता है। इधर बाजारों में सरकंडे के खुले बंडल भी मिल रहे हैं, जिससे लोग अपनी जरूरत के अनुसार उसका उपयोग कर सके। हालांकि बदलते दौर और समय के अभाव में लोग बनी बनाई सनसनाटी भी खरीदते हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज निवासी और जनवितरण प्रणाली विक्रेता डीलर अनिल रजक की बीती देर रात दिल का दौरा पड़ने से अचानक मौत हो गई, जिसके बाद प्रखंड के सभी डीलरों में शोक का माहौल है। वहीं इसको लेकर डीलर अनिल रजक के आवास पर जिला परिषद सदस्य अरुण दास, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी समेत प्रखंड के कई डीलर और शुभचिंतकों की भीड़ उमड़ पड़ी, जहाँ लोगों ने दिवंगत अनिल रजक के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही सभी ने ईश्वर से के परिजनों को संबल बढ़ाते हुए इस दुख को सहने की कामना की। मौके पर काफी संख्या में डीलर, राजनीतिक दल के सदस्य और अन्य लोग मौजूद थे।